नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 97,66,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 52,89,000 अब तक रिकवर हुए हैं। हालांकि 4,92,000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। देश में 4,98,000 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 2,90,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 15,424 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 12,798 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 9,804 अब तक रिकवर हुए हैं। 546 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 1,075 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 925 अब तक रिकवर हुए हैं। हालांकि 57 लोगों की यहां पर भी मौत हो चुकी है। शुक्रवार को खंडवा में 3, खरगोन में 8, बड़वानी में 8 और बुरहानपुर में 1 नया कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल के सामने आया है। निमाड़ पर भारी रहा शुक्रवार। चारों जिलों में निकले 20 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। खंडवा में शुक्रवार को कोरोना के संदिग्ध 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नए मरीज खंडवा के बापूनगर, सिंगाड़तलाई और छोटा आवार क्षेत्र के निवासी हैं। खंडवा में अब तक 301 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 268 रिकवर हुए हैं। अब तक जिले में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। खरगोन में पिछले 24 घंटों में 178 की निगेटिव व 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 332 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इस तरह जिले में कुल 277 कोरोना से संक्रमित है। इनमें से 221 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि 14 की मौत हुई है। जिले में कुल 33 कंटेनमेंट एरिया घोषित हैं। बुरहानपुर में प्रशासन की सख्ती से लगातार सुधार देखा जा रहा है। हालांकि शुक्रवार को यहां भी एक संक्रमित की पुष्टि हुई है। इसे मिलाकर जिले में कुल 392 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 364 लोग अब तक जिले में रिकवर हुए हैं, जबकि 23 की अब तक मौत हुई है। जिले में अब सिर्फ 16 कंटेनमेंट इलाके बचे हैं। बड़वानी में शुक्रवार सुबह आई 102 रिपोर्ट में से 8 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें से 4 लोग राजपुर के, 3 बड़वानी के तथा 1 दवाना का है। जिले में अब संक्रमितों की कुल संख्या 105 हो गई है। शुक्रवार को 4 लोग रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज। गुरु पूर्णिमा पर निमाड़ के सभी गुरु दरबारों से भक्तों को रखा जाएगा दूर। गुरु पूर्णिमा उत्सव निमाड़ में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन खंडवा के दादाजी धोने वाले दरबार में करीब 5,00,000 लोग, खरगोन के इंद्र टेकड़ी पर करीब 2,00,000 श्रद्धालु और खंडवा जिले के संत सिंगाजी धाम पर करीब 1,00,000 श्रद्धालु पहुँचते हैं। इन सभी स्थानों पर कोरोना संक्रमण के चलते इस साल उत्सव नहीं मनाए जाएंगे। इन सभी दरबारों में आम जनता के लिए प्रवेश निषेध रहेगा और इन दरबारों में केवल संस्थान के प्रमुख ही पूजा पाठ कर पाएंगे। सिंगाजी धाम में गुरुवार को SDM पुनासा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक हुई। इस बैठक में इस आशय से निर्णय भी लिया गया, जबकि दादाजी दरबार खंडवा में पहले से ही इस तरह के आदेश जारी किए जा चुके हैं। खरगोन जिले के इंद्र टेकड़ी पर भी गुरु पूर्णिमा पर आमजनों के लिए प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ समिति द्वारा चिन्हित 500 व्यक्ति ही दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए मंदिर समिति ही पास भी जारी करेगी। इसके लिए गांव-गांव के पदाधिकारियों को कार्ड दिए जाएंगे। खरगोन जिले में बिगड़ते हालातों को देखकर फिर से लगाया लॉकडाउन। नियम तोड़ने पर सीधे दर्ज होगी FIR। खरगोन में जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। शनिवार से प्रतिदिन शाम 7 बजे से सभी दुकानें बंद रहेगी। वहीं रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू यथावत रहेगा। इसके अलावा रविवार को 24 घंटे का टोटल लॉकडाउन करने की घोषणा की गई है। इस तरह अब शनिवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा सभी आमजन अपने घरों में ही रहेंगे। टोटल लॉकडाउन जिले की समस्त 8 नगर पालिकाओं, नगर पंचायत तथा गोगांव ग्राम पंचायत में लागू होगा। अत्यावश्यक सेवाओं में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को छोड़कर अस्पताल व क्लिनिक परिसर में स्थित मेडिकल की दुकानें खुली रहेंगी। कलेक्टर गोपालचंद डाड ने केवल ऐसे रेस्टोरेंट या होटल जो पार्सल की सुविधाएं देते हैं उन्हें रात 9 बजे तक खुले रखे जाने के आदेश भी दिए हैं। अब कोई व्यापारी बिना मास्क के और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नहीं पाया गया तो उसके ऊपर FIR दर्ज की जाएगी। कोरोना काल में बदला खेती का तरीका। सुपरमॉल की तरह अब सैनिटाइज हो रही है सब्जियां। कोरोना काल में खंडवा जिले में खेती का तरीका ही बदल दिया है। जिले के आदिवासी बहुल खालवा ब्लॉक के 8 गांव के आदिवासी जैविक सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। इन उत्पादों को
खंडवा लाकर सुपरमार्केट के तर्ज पर सैनिटाइज और परिष्कृत कर बाजार के दामों में उपलब्ध कराया जा रहा है। खंडवा में इसके लिए बाकायदा प्रोसेसिंग वर्कशॉप भी खोला गया है। किसानों द्वारा बनाई गई सतपुड़ा जैविक कंपनी के CEO विशाल शुक्ला ने बताया, नाबार्ड के सहयोग से खलुआ ब्लॉक के 8 गांवों में योजना चलाई जा रही है। कंपनी का खंडवा के दादाई दरबार के पास प्रोसेसिंग सेंटर भी बनाया गया है। सब्जियों को सैनिटाइज करने के बाद किट फ्रेश रेपर में पैक किया जाता है। इस रेपर में सब्जियां 2 दिन तक ताज़ा रहती हैं। कंपनी पूरा प्रयास कर रही है सब्जियां जब लोगों के हाथ में पहुंचे तो वो पूरी तरह सुरक्षित हो। खंडवा में शुरू की गई नई पहल, मंगलवार के अलावा अब शुक्रवार को भी होगी जन सुनवाई। नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जिला मुख्यालय के साथ ही विकासखंड स्तर पर नई व्यवस्था लागू की गई है। कलेक्टर अनय द्विवेदी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार अब सभी SDM और SDO प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई के अतिरिक्त प्रत्येक शुक्रवार को भी जन सामान्य की शिकायतों व समस्याओं का निराकरण करेंगे। यदि संबंधित शिकायत या समस्या का निराकरण जिले के विभाग स्तर पर संभव नहीं है तो उस स्थिति में अपने अभिमत सहित प्रकरण कलेक्टर कार्यालय को भेजेंगे। हर सप्ताह प्राप्त आवेदन, निराकृत प्रकरण व लंबित प्रकरण व उनके लंबित रहने का कारण सहित जानकारी तैयार कर कलेक्टर कार्यालय को भेजे जाएंगे। एक जुलाई से शुरू होगा किल कोरोना अभियान। इस दौरान 15 दिन तक हर घर पहुंचकर ली जाएंगे सैंपल। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान चलाया जाएगा। अभियान की शुरुआत भोपाल से की जाएगी। किल कोरोना अभियान प्रत्येक परिवार को कवर करेगा। इसके लिए दल गठित किए जा चुके हैं। कोविड मित्र भी बनाए जाएंगे जो स्वैच्छिक रूप से इस अभियान के लिए कार्य करेंगे। देश के इस अनूठे अभियान से कोरोना संक्रमण पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण पाया जा सकेगा। CMHO डॉक्टर DS चौहान ने बताया कि खंडवा जिले में 1 से 15 जुलाई तक किल कोरोना अभियान के तहत घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। इसके साथ ही फीवर स्क्रीनिंग भी की जाएगी। सर्वे दल थर्मल स्क्रीनिंग व ऑक्सीजन सेचुरेशन की स्क्रीनिंग भी करेगा। इस अभियान के तहत जिले की 100% आबादी को कवर किया जाएगा। अभियान के तहत नागरिकों को स्वास्थ्य शिक्षा देने का कार्य भी साथ साथ चलेगा। इस अभियान से सर्दी खांसी जुकाम के साथ ही डेंगू मलेरिया डायरिया आदि के लक्षण पाए जाने पर जरूरी उपचार भी दिया जाएगा। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। शब्बा खैर। शुभ रात्रि।